वेलकम दोस्तों, सुनील कुमार टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एंजल वन एप्लीकेशन किस तरीके से यूज़ करना है, ट्रेड किस तरीके से लेना है, वॉच लिस्ट किस तरीके से बनाना है, मनी किस तरीके से ऐड करना है, एग्जिट किस तरीके से करना है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करूँगा। यानी एक फुल कम्प्लीट ट्यूटोरियल इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को करता हूँ शुरुआत। तो जैसे कि देख सकते हैं, एंजल वन एप्लीकेशन को मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है। तो इसका कुछ इंटरफेस इस तरीके से शो होगा। सबसे नीचे आप देख सकते हैं पांच ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। एक है होम, दूसरा है वॉच लिस्ट, आपको यहाँ पर वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकती है, पोर्टफोलियो यहाँ पर है तीसरे नंबर, उसके बाद है ऑर्डर्स और उसके बाद है अकाउंट्स। तो यहाँ पर आपको इतना इन्फॉर्मेशन सही है। उसके बाद टुडे मार्केट, यहाँ पर जैसे देख सकती है आज के मार्केट का हालचाल क्या है, आप यहाँ पर देख सकती है। तो हम लोग को क्लिक करना है व्यू मोर पर, आपको क्लिक कर देना है। व्यू मोर पर क्लिक करने के बाद ये पेज आपका सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर है निफ्टी, यहाँ पर है सेंसेक्स, और यहाँ पर आप जैसे इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको और भी इंडेक्स शो हो जाएगा। तो ये हो गया इंडेक्स, और यहाँ पर है स्टॉक्स। आज के स्टॉक्स में टुडे, आज के दिन में कौन सी स्टॉक्स ने कितना परसेंट रिटर्न लोगों को बनाकर दिया है, टॉप गेनर, टॉप लूजर, और यहाँ पर एक्टिव बाय वॉल्यूम। यहाँ पर आपको तीन चार ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। स्क्रॉल करेंगे और भी ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। टॉप गेनर पर क्लिक करेंगे तो कौन से स्टॉक्स ने आज के ट्रेडिंग सेशन में बेहतर परफॉर्मेंस दिया है, यानी सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पर है येस बैंक। येस बैंक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में 4.96% का रिटर्न दिया है। अभी मार्केट चालू है, यानी मार्केट अभी लाइव में आपको दिखा रहा हूँ, जैसे देख सकती है। तो हम लोग येस बैंक पर ही क्लिक करें। येस बैंक पर क्लिक करने के बाद अगर आपको ये स्टॉक्स बाय करना है तो आपको सबसे पहले बाय ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, या तो थोड़ा बाद में आप बाय करना चाहती है तो आप यहाँ पर ऐड टू आपको वॉच लिस्ट पर क्लिक कर देना है। आप बाय पर क्लिक कर सकती है, बाय पर क्लिक करके स्टॉक्स को आप यहाँ से बाय कर सकती है, नहीं तो आप ये वॉच लिस्ट पर भी ऐड कर सकती है। तो चलिए इसको हम लोग ऐड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर वॉच लिस्ट क्रिएट करना होगा। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि वॉच लिस्ट आपको किस तरीके से क्रिएट करना है। तो यहाँ पर तो ये सही है, अगर इसका चार्ट भी देखना है आपको, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा कि चार्ट आपको किस तरीके से एनालिसिस करना है। तो चलिए यहाँ तक तो सही है। ये है बाय, ये है सेल। बाय और सेल का अंतर तो ये होता है कि मार्केट अप ट्रेंड जाएगा तो हम लोग बाय करेंगे, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड आएगा तो हम लोग सेल करेंगे। यानी सेल करके भी पैसा कमा सकती है और बाय करके भी पैसा कमा सकती है, लेकिन अगर मार्केट साइडवेज रहे तो आप पैसा नहीं कमा सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मार्केट बुलिश है या बेयरिश। बुलिश का मतलब है हम लोग को बाय करना है, बेयरिश का मतलब ये है हम लोग को सेल करना है। तो सेल करके भी पैसा कमा सकती है, बाय करके भी पैसा कमा सकती है। यहाँ तक तो सही है। तो चलिए इसको मैं ऐसा करता हूँ बैक। इसी तरीके से दूसरे नंबर पर है टॉप लूजर, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो सबसे गिरावट देखने के लिए मिला है जिन स्टॉक्स पर, वो स्टॉक्स का लिस्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए कोई भी स्टॉक्स यहाँ पर मैं उठा लेता हूँ। तो ये जो स्टॉक्स है ये बेयरिश है, यानी बुलिश नहीं है, लूजर दिखाया। तो हम लोग को क्या करना है, ये सेल साइड की तरफ हम लोग ट्रेड बना सकती है, यानी हम लोग सेल करेंगे। अगर ये स्टॉक्स और भी गिरावट आती है, हम लोग सेल करने के बाद और भी गिरावट आती है तो हम लोग को यहाँ पर पैसा कमाई होगा। अगर हम लोग एंट्री किया और उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड जाने लगा तो हम लोग को लॉस होगा। अप ट्रेंड जाने के लिए हम लोग को बाय साइड की तरफ ट्रेड लेना पड़ेगा, सेल साइड की तरफ ट्रेड लेने से हम लोगों को जो मार्केट है डाउन साइड की तरफ आना पड़ेगा, तो ही हम लोग पैसा कमा सकती है। तो ये हो गया होम पेज। उसके बाद है यहाँ पर है आईपीओ, जो आईपीओ आने वाला है, जो शेयर मार्केट में कुछ स्टॉक लिस्टेड होने वाला होता है, जो नया कंपनी होता है उनका भी आईपीओ आता है, तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा कि कितना आईपीओ आने वाला है। आप आईपीओ पर क्लिक करके देख सकती है। म्यूचुअल फंड में आप यहाँ से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकती है, यानी हर महीना आप कुछ अमाउंट यहाँ पर देते रहेंगे और उसके बाद आपको एक फिक्स अमाउंट मिलेगा, जो आपको आपका जो कैपिटल होगा वो भी, और आपको उसके साथ रिटर्न भी मिलेगा। जो म्यूचुअल फंड, मैंने कुछ वीडियो बनाया हुआ है म्यूचुअल फंड के बारे में, आप जाकर देख सकती है। तो यहाँ तक तो ठीक है। तो यहाँ पर है रेफर एंड अर्निंग, ये तो अपने दोस्त को शेयर करके भी पैसा कमा सकती है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर वॉच लिस्ट, हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। वॉच लिस्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर है आपको प्लस का निशान शो रहा है, आपको इस प्लस निशान पर क्लिक कर देना है। प्लस निशान पर क्लिक करने के बाद हम लोग को यहाँ पर एक वॉच लिस्ट क्रिएट करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, मैं यहाँ पर डालता हूँ स्टॉक्स इंट्राडे। तो और उसके बाद हम लोग क्रिएट पर क्लिक करेंगे।
तो जैसे कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पर स्टॉक्स इंट्राडे और यहाँ पर एक सिलेक्ट किया गुड स्टॉक्स। अभी इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर आपको कोई भी स्टॉक्स पसंद आती है और वो अपने वॉच लिस्ट पर ऐड करना है, यानी इस स्टॉक्स पर आप ट्रेड लेना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ टाटा मोटर्स, तो मेरे को चाहिए टाटा मोटर्स का जो स्टॉक्स है वो हम लोग को चाहिए, सॉरी मेरे को चाहिए यहाँ पर टाटा, मुझे टाटा मोटर्स का स्टॉक चाहिए। तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, टाटा मोटर्स आ चुका है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स क्लिक करने के बाद यहाँ पर टाटा मोटर्स हो चुका है, तो इस प्लस आइकन पर हम लोग को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये जो स्टॉक्स है ये वॉच लिस्ट पर ऐड हो चुका है, जैसे आप यहाँ पर देख सकती है। तो चलिए इसको मैं यहाँ से करूँगा बैक, और मैंने बैक कर दिया। और जैसे देख सकती है स्टॉक्स इंट्राडे और यहाँ पर टाटा मोटर्स शो हो चुका है। तो इस स्टॉक से हम लोग यहाँ से अभी बाय साइड की तरह प्लान कर सकती है, यानी बार बार आपको सर्च करके स्टॉक्स लाने के लिए ज़रूरत नहीं है। अब वॉच लिस्ट पर ऐड करें और उसके बाद आपको एक ही जगह स्टॉक्स मिल जाएगा जो स्टॉक्स आपने सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ तक तो सही है। तो चलिए अभी बात कर रहा था इंडेक्स का बारे में। इंडेक्स के लिए हम लोग यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हम लोगों को शो हो जाएगा इंडेक्स का। जैसे कि देख सकते हैं आपको कौन सा इंडेक्स चाहिए। तो जैसे देख सकते हैं मेरा यहाँ पर जो निफ्टी 50 इसका भी इंडेक्स चाहिए होता है। तो निफ्टी 50 पर ही मैं क्लिक करूँ। निफ्टी 50 इंडेक्स पर क्लिक करने के बाद निफ्टी 50 का इंडेक्स यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो जैसे कि देख सकते हैं निफ्टी 50 आज के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर शो रहा है। तो यहाँ पर आपको एंट्री एग्जिट ये आपको और भी कुछ बहुत चीज़ें जो आपको सीखना पड़ेगा आपको इंडेक्स में ट्रेड करने से पहले। तो यहाँ पर है आपको ऑप्शन चेन, हम ऑप्शन चेन पर क्लिक करने के बाद ईपी शो हो जाएगा। तो यहाँ पर है आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, एट द मनी, तो यहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर है आपका ओआई यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखाई देगा जो आपको ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए काफ़ी कुछ सीखना पड़ेगा, उसके बाद जाकर आप ऑप्शन पर ट्रेड कर सकती है। आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको बाय और सेल एग्जिट एंट्री किस तरीके से एंजल में करना है। और उसके बाद है यहाँ पर है पोर्टफोलियो, हम लोग पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे। पोर्टफोलियो पर क्लिक करने के बाद आपने इक्विटी में ट्रेड लिया तो यहाँ पर शो हो जाएगा। म्यूचुअल फंड का जो है वो यहाँ पर शो हो जाएगा, यानी इक्विटी में वही शो होगा इंट्राडे में, यानी अगर आपने ऑप्शन में ट्रेड किया तो यहाँ पर शो हो जाएगा, यहाँ पर ही शो होगा ऑप्शन में जो ट्रेड करेंगे। और आपको जो इंडेक्स में ट्रेड करेंगे यानी निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसका जो पोर्टफोलियो है वो भी यहाँ पर शो हो जाएगा। मैं फिलहाल यहाँ पर कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया, यानी ऑर्डर प्लेस नहीं है। उसके बाद है ऑर्डर, आपको ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद आपका जो ऑर्डर है वो यहाँ पर दिखाई देगा, कितना ऑर्डर आपका है। और उसके बाद है आपको यहाँ पर हिस्ट्री देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर है अकाउंट, अकाउंट पर क्लिक करके आप यहाँ से अपने बैलेंस को चेक कर सकती है, फ़ंड यहाँ से ऐड कर सकती है, फ़ंड यहाँ से विड्रॉ कर सकती है। किसी भी स्टॉक्स पर आपको एंट्री लेने के लिए वॉच लिस्ट पर आपको क्लिक कर देना है, नहीं तो आप सर्च बार में भी टाइप कर सकती है। सर्च बार में टाइप करके वही स्टॉक सिलेक्ट करेंगे जिस स्टॉक्स पर आप ट्रेड लेने वाली है। यानी मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि इंट्राडे के लिए आपको बेस स्टॉक्स कहाँ पर मिलेगा। मैं रोज़ डेली वीडियो अपलोड करता हूँ लगभग 5 से 6 बजे के बीच में, और मैं आपको बताता हूँ कि कल के ट्रेडिंग सेशन में कौन से स्टॉक्स पर आपको मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। तो उस वीडियो को आप डेली देख सकती है और डेली वीडियो देख करके आप ट्रेड प्लानिंग कर सकती है। उस स्टॉक्स को वॉच लिस्ट पर ऐड करें और उसी स्टॉक्स पर आज के ट्रेडिंग सेशन में आप जो है बाय साइड की तरह पोजीशन बना सकती है। यानी मैं रेगुलर अपडेट करता हूँ कि 11 जनवरी को कौन सा स्टॉक्स लेना है, 12 जनवरी को कौन सा, 13 या 14, 15 आज के ट्रेडिंग सेशन है, आज जो मैंने बताया था कि 10 जनवरी में कौन से स्टॉक्स लेना है, आप जाकर देख सकती है। उसी स्टॉक्स पर आज के ट्रेडिंग सेशन में मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा है। जिन लोगों ने भी मैंने जो स्टॉक्स बताया था वहाँ पर ट्रेड लिया तो उनका टारगेट हिट हो गया। तो इस तरीके से आप इंट्राडे में ट्रेड लेकर पैसा कमा सकती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेगुलर वीडियो आपको मिलेगा, 5 PM to 6 PM के अंदर ही आपको वीडियो मिल जाएगा। तो किसी भी स्टॉक्स में आपको एंट्री लेने के लिए आपको स्टॉक्स पर क्लिक कर देना है। स्टॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपको बाय साइड क्लिक कर देना है, बाय पर क्लिक कर देना है। बाय पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर है डिलीवरी, यहाँ पर है इंट्राडे। डिलीवरी और इंट्राडे में अंतर क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पर डिलीवरी में डाल देता हूँ 10 क्वांटिटी। 10 क्वांटिटी का कीमत कितना हो जाएगा, जैसे कि देख सकती 8,090 रुपीज़। लेकिन इसी को अगर मैं इंट्राडे करूँ तो यहाँ पर जैसे कि देख सकती यहाँ पर सिर्फ मेरे को देना है 1,618 रुपीज़। यानी इंट्राडे और डिलीवरी में काफ़ी ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। यहाँ पर ये है कि आपको इंट्राडे में 5% मार्जिन मिलता है।
अगर किसी भी स्टॉक्स का प्राइस 20 रुपये से है तो आपको 5% मार्जिन मिलेगा, यानी आपको 4 रुपया पर ही वो स्टॉक्स मिल जाएगा। लेकिन अंतर ये है कि मार्केट सुबह 9 बजे से शुरू होता है और 3 बजे मार्केट क्लोज हो जाती है, तो आपको ये टाइम के अंदर ही बाय और सेल करना पड़ेगा। अगर आपने इंट्राडे में स्टॉक्स को बाय किया और आपने 350 तक इंट्राडे स्टॉक्स को सेल नहीं किया, तो ये जो ब्रोकर है यानी एंजल हो या किसी भी ब्रोकर के पास, आपने जिस भी ब्रोकर के पास स्टॉक्स लिया है वो खुद ही सेल कर देगा, यानी आपको सेल करना ही होगा, चाहे जो आपका लॉस हो या चाहे प्रॉफिट हो, लेकिन सेल करना होगा। यानी आपको 5% मार्जिन मिलेगा ज़रूर, लेकिन आपको सेल तो ज़रूर करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऑटोमेटिकली ये सेल हो जाएगा। लेकिन अगर डिलीवरी की बात करूँ तो यहाँ पर तो आपको ये सही है कि आपको 8,000 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है। अगर मान लीजिए कि आज के ट्रेडिंग सेशन में आपका जो स्टॉक्स है, आपने जिस स्टॉक्स पर एंट्री बनाया उस स्टॉक्स पर आपको 20% या 10% या 5% का गिरावट देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन आपका ये बिलीव है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक्स पर मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है, तो आप इंट्राडे की तरह पोजीशन बना सकती है, आपको डिलीवरी साइड की तरह पोजीशन बना सकती है। डिलीवरी में स्टॉक्स लेने का फ़ायदा ये है, जब आपको रिटर्न थोड़ा मिले उसके बाद आप सेल कर सकती है, लेकिन इंट्राडे में ये नहीं होता है। आज स्टॉक्स लिया, जितना परसेंट रिटर्न मिले तो उस रिटर्न को आपको आज ही बुक करके आपको एग्जिट करना पड़ेगा। और डिलीवरी में आपको जब मन चाहे तब आप एग्जिट कर सकती है, 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 साल, 5 साल, 10 साल या पूरी लाइफ टाइम आप स्टॉक्स को होल्ड करके रख सकती है, लेकिन इंट्राडे में कोई भी होल नहीं होता है। तो इसीलिए स्टॉक्स का प्राइस है अभी कितना, 808 रुपीज़, आपको डिलीवरी में ख़रीदने के लिए 808 रुपीज़ ही पे करना होगा। लेकिन अगर इंट्राडे की बात करूँ तो अभी स्टॉक्स का प्राइस है 808 रुपीज़, तो इस एक स्टॉक्स ख़रीदने के लिए मेरे को देना पड़ेगा 161 रुपीज़, यानी 5% मार्जिन मिलता है। तो ये है अंतर डिलीवरी और इंट्राडे में। यहाँ पर आपको ये सोचना है कि मैं डिलीवरी में ट्रेड करूँ या इंट्राडे। अगर आपको डिलीवरी में करना है तो आप 10 क्वांटिटी यहाँ पर डालेंगे, बाय पर क्लिक कर देंगे, तो आपका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर हो जाएगा डिलीवरी इंट्राडे। उसके बाद आप यहाँ पर 10 क्वांटिटी डालेंगे, आप उसके बाद बाय पर क्लिक करेंगे, तो आपका जो ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा और आपको यहाँ पर पोर्टफोलियो पर शो हो जाएगा आपका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। और यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस ऐड करना होगा, आप इसको ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद ये पेज आपका सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर है आपका टारगेट प्राइस और यहाँ पर है लिमिट प्राइस, तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस ऐड करना पड़ेगा, यानी आपको टारगेट कितना चाहिए। जैसे कि अभी स्टॉक्स का प्राइस है कितना, 807 रुपीज़, तो मैं यहाँ पर टारगेट डाल देता हूँ कि 900 जब हो जाए तो ये स्टॉक्स ऑटोमेटिकली सेल हो जाना चाहिए। तो ये है बात। और यहाँ पर है लिमिट प्राइस, यानी स्टॉक्स का प्राइस अभी कितना है, 807 रुपीज़ है, आप कितना रुपीज़ पर ख़रीदना चाहती है, उस वो जो लिमिट है वो आप यहाँ पर डालेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, उसके बाद है ये लिमिट, उसके बाद है यहाँ पर है मार्केट प्राइस, यानी स्टॉक्स आप मार्केट प्राइस पर ख़रीदना चाहती है या लिमिट पर ख़रीदना चाहती है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पर लिमिट लगा दिया, और यहाँ पर है मार्केट प्राइस, यानी स्टॉक्स का प्राइस अभी कितना है, 807 रुपीज़, तो आपको 807 रुपीज़ पर ही ख़रीदना है, तो आप बाय पर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहती है कि नहीं, स्टॉक्स का प्राइस 790 तक आ जाए उसके बाद मैं खरीदूंगा, तो आप यहाँ पर उसका प्राइस पहले से ही फिक्स कर सकती है। जब 790 पर आ जाएगा तो आपका जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अभी स्टॉप लॉस शो हो रहा है वो है 719। ऑर्डर बाय करने के बाद स्टॉप लॉस को आप मॉडिफाई करें और उसके बाद स्टॉप लॉस को और भी आप आगे लगा सकती है, यानी अभी है स्टॉक्स का करंट प्राइस 808 रुपीज़, तो आप चाहें तो 790 पर भी स्टॉप लॉस को ऐड कर सकती है। जब 790 पर स्टॉक आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस हिट करेगा और आपको जो पैसा है वो एग्जिट करके निकाल देगा। और जो आप टारगेट लगाएंगे यहाँ पर 900 पर, जैसे ये स्टॉक्स 900 पर पहुँच जाएगा तो आपका प्रॉफिट बुक करके ये स्टॉक्स पर आपको एग्जिट कर दिया जाएगा, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस और टारगेट एक ही साथ में ऐड कर सकती है। उसके बाद है कि आपको यहाँ पर ट्रेड लेने से कितना परसेंट चार्जेस देना होगा। आप चार्ज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको चार्जेस शो हो जाएगा कि आपको 10 शेयर लेने के लिए कितना चार्जेस देना पड़ेगा। जैसे कि ब्रोकरेज को कोई भी चार्ज देने के लिए ज़रूरत नहीं है, एक्सचेंज चार्ज आपको 1.48 रुपीज़ देना पड़ेगा। उसके बाद टैक्स आपको टोटल जो हो जाएगा, यहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ेगा 8.13, टोटल टैक्स आपका हो जाएगा 9.61, लगभग 10 रुपया टैक्स आपको पे करना होगा। तो इस तरीके से आप एंजल वन एप्लीकेशन को यूज़ कर सकती है। अगर आपका मन में अभी भी किसी भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकती है।